टू डेज ई डीमज़ टू हैव द अपर हैंड दैट मीन्स टू गेन कंट्रोल अपर हैंड का होना यानी कंट्रोल होना कंट्रोल पाना जैसे कोई पावर में तो उसके पास भी कंट्रोल होता है वो एडवांटेज में होते हैं राइट right? उसके पास अपर हैंड होता है जैसे इमेजिन करना यहाँ कैसे सेंस आ है जैसे भी जो आर्म रेसलिंग होती है कोई भी जैसे मान लो आप भाई पंजा लड़ा रहे हो तो जो अभी जैसे आप जोर लगा रहे हो और जो ओपोनेंट है उसका हाथ नीचे लगने वाला है और यहाँ आपका हैंड क्या है अप है अपर हैंड है आपके पास यानी आप भी कंट्रोल में हो और जो है आपके कंट्रोल में है आप एडवांटेज में हो तो टू हैव अपर हैंड यानी कंट्रोल होना एडवांटेज होना और जैसे उदाहरण के लिए आई हैड हिम एट माई मर्सी वट नाउ ही हैज़ द अपर हैंड आई हैड हिम अब वो मेरे पास था ऐट माई मर्सी ऐट सम बंस मर्सी इसका क्या मतलब होता है ऐट माई मरसी एट समर्सी जैसे डोगवाज कम्प्लीटली एट हीज मरसी तो कुत्ता जो था अब पूरी तरह उसके कंट्रोल में था uh, तो ऐट अब uh, भी माई मर्सी मतलब आई हैड हिम वो मेरे पास था ऐट माई मर्सी वो मेरे कंट्रोल में था अब हट नाउ ही हैज़ द अपर हैंड अब भी उसका कंट्रोल है उसका दबदबा है